कर रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह रंगीन गजल सुनाऊंगी, क्योंकि जैसे कि कवर साहब ने कहा कि जिस महफिल में ख्वाजा वाली नमाज का जिक्र ना हो तो वो महफिल अधूरी रहती है। तो बस कम वक्तों में चेक हालो हालो चेक मातरम
पवार साहब का कहना था कि तूफान से तुम डरती हो क्या लेके सफीना जाओगी, अजमेर तलक तो जा ना सके क्या खाक मदीना जाओगी। सुनिए साहब, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। ओए साहब, आप लोग जगह लेने जरा, चालू करो चालू करो। हेलो, इनका कहना था कि तूफान से तुम डरती हो क्या लेके सफीना जाओगी, अजमेर तलक तो जा ना सकी क्या खाक मदीना जाओगी। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कवर साहब, मैं कहाँ तलक जाऊंगी, क्या मैं कहाँ तलक जाऊंगी ये तू क्या सोच पाएगा। वाह वाह वाह, मैं कहाँ तलक जाऊंगी ये तू क्या सोच पाएगा। अरे बेजुबान है तू, क्या किसी को टोक पाएगा। कि मैं कहाँ तलक जाऊंगी ये तू क्या सोच पाएगा, बेजुबान है तू क्या किसी को टोक पाएगा। अब निकाल दे दिमाग से शैतान की बोली, अब निकाल दे दिमाग से शैतान की बोली, जिसे रसूल बुलाएंगे उसे तू क्या रोक पाएगा। जिसे रसूल बुलाएंगे क्या कोई रोक पाएगा। क्योंकि पत्थरों पर लिखी तहरीर बदल सकता है, ये पत्थरों पर लिखी तहरीर बदल सकता है, यानी हर ख्वाब की ताबीर बदल सकता है। उनकी दहलीज पे सर अपना झुका कर देखो, इश्क ख्वाजा तेरी तकदीर बदल सकता है। इश्क ख्वाजा तेरी तकदीर बदल सकता है, बदल सकती है। मतलब आगे कर रही हूँ, सुनेंगे सर। दिल में ख्वाजा जान में ख्वाजा, ¡Gracias!
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने उस्ताद जनाब मुराद आतिश साहब की झलक, थोड़ी सी झलक पेश कर रही हूँ। क्या कहने भाई, पहला शेर पहुंचे सब है वाजा।
आशा लैंड के जानिब से 500 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया। और क्या कहने हमारे चाचा जान के जानिब से भी बहुत सारे नोटों का हार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया चाचा जान। ये दुआ है मेरे लिए, नोटों का हार मिला, क्या कहने भाई।